नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र से है, जहां राठी खेड़ा ग्राम पंचायत के चक 5 आरके में बन रही इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बड़े आंदोलन का आगाज किया गया। SDM कार्यालय के समक्ष हुई किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य और भारतीय किसान नौजवान यूनियन के संयोजक अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि इथेनॉल फैक्ट्री को बंद करवाने की लड़ाई एक दिन या एक महीने में जीती जाने वाली नहीं है। इस लड़ाई को लंबा सोचकर लड़ना पड़ेगा। सभा के बाद किसानों ने एकत्रित होकर फैक्ट्री बनने की जगह की ओर कूच किया। वहाँ DYSP कर्ण सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। युवा किसान नेता महंगा सिंह के साथ DYSP कर्ण सिंह की तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद किसान आगे की ओर चले गए और धरना लगाकर बैठ गए। देखिए, आज यहाँ पे जो आसपास के किसान हैं, पूरे टिब्बी क्षेत्र के हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, उन सब की जन भावना ये है कि जो ये फैक्ट्री यहाँ पे लगाई जा रही है, इससे यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे अब तक के अनुभव बताते हैं, चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में, जिस भी क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्रियां ऐसी कंपनियां लगी हैं, वहाँ के लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। तो लोगों की डिमांड ये है, जन जन की डिमांड ये है, छत्तीस बिरादरी की डिमांड ये है कि इस तरीके की फैक्ट्रियां ना लगाई जाए। तो आज टिब्बी तहसील के सामने जो एक बड़ी विशाल महापंचायत करी गई, उसके बाद लोग यहाँ पे पैदल चल के आए और सबने फैसला लिया है कि जब तक इस फैक्ट्री को लगाने का जो डिसीजन लिया गया है वो कैंसिल नहीं किया जाता, तब तक यहाँ पे पक्का मोर्चा लगेगा। और हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं, आज हमारे पंजाब से भी भाई आए हैं, सारे साथी जो हमारे आए हैं, पूरे फोरम की तरफ से जो हम आए हैं, हम ये इनको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि अगर प्रशासन इनके साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा, तो आधी रात को भी जब हमें ये कॉल देंगे, तो पंजाब और हरियाणा के गाँव से बच्चा बच्चा यहाँ आएगा और यहाँ के किसानों की इस लड़ाई को और भी ज्यादा मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। प्रधान राष्ट्रीय संगठन हरियाणा, यह फैक्ट्री लग रही है जो, क्या सरकार को कोई और जमीन नहीं मिलती जहां जरखेज ना हो? जितनी उपज वाली पैदावार वाली जमीन है, यहां आके जो फैक्ट्री लगाई जा रही है, किसानों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और मैं किसानों से भी अपील करता हूं, जिनको ये किसानों को उम्मीद होगी ना कि यहाँ सरकार या कोई प्राइवेट हमें पैसा दे देगा जमीन का। जमीन किसान की माँ है, जिसका कोई मोल नहीं, और किसी रेट पे जमीन फैक्ट्रियों के लिए नहीं मिलेगी। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ भी एकड़ का कम है, ज्यादा नहीं है। तो जमीन जो बेचनी है या फैक्ट्री ने लेनी है, पहली तो फैक्ट्री ले वहाँ जहाँ कोई उपजाऊ जमीन नहीं है वहाँ, ये कानून भी है। और दूसरा कानून ये भी है, आबादी में शहर से 8 किलोमीटर दूर फैक्ट्री लगाओ, उससे नज़दीक कोई फैक्ट्री नहीं लगने देता। तो गांव में अगर फैक्ट्री आगे लगाते हैं तो गांव में कोई इंसान नहीं बसते क्या? शहरों में इंसान बसते हैं, और गांव में कौन बसता है भाई? इंसान नहीं है, गांव में आदमी नहीं बसते। तो सरकार को इस फैक्ट्री का जो लगाने का निर्णय लिया है, ये वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं वापस लिया तो हम राष्ट्रीय किसान संगठन से और हरियाणा के जितने किसान संगठन हैं, सब इनके साथ खड़ेंगे और यहाँ फैक्ट्री नहीं लगने देंगे किसी भी कीमत पे। हमारी लाशों पे अगर फैक्ट्री लगानी है, लाशें बना के, तो लगा ले वैसे सरकार इस फैसले को वापस ले, नहीं हम पूरे जोर शोर से इन सभी किसानों के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हरियाणा से हम लोग अखिल भारतीय किसान सभा, राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा और संयुक्त किसान मोर्चा के अनेक किसान संगठन हैं, उनके अगुवा साथियों के साथ हम यहाँ टिब्बी में पहुंचे हैं। और हमारी सरकार को ये चेतावनी है कि यहाँ की जनता जो चाहती है, यहाँ की कमेटी जो तय करे, कमेटी का ये फैसला है कि किसी भी सूरत में यहाँ इस फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे। कमेटी, हम यहाँ के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि लोग यहाँ मजबूत फैसला ले। निश्चित रूप से हरियाणा और पंजाब के गांव-गांव से सैकड़ों हजारों किसान जो कि टिब्बी कूच करेगा, और इस इलाके के किसानों के साथ खड़े होकर के हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। धन्यवाद। राकेश, आज 12 अगस्त को इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में टिब्बी SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और वो प्रदर्शन सफल रहा, उसके लिए हम पूरे जिले के लोगों का आभार प्रकट करते हैं। और उसके पश्चात अभी आज हमने वहाँ से SDM कार्यालय से पैदल कूच फैक्ट्री में की ओर किया और शांति प्रिय तरीके से हम वहाँ करके बैठ चुके हैं। टेंट हमारा वहाँ लग चुका है। हम पूरे क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप आज से निरंतर अपनी अपनी जिम्मेवारी, अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए प्यारा सिंह जी सरपंच की ढाणी के पास में, जहाँ हमारा पक्का मोर्चा लगा दिया गया,
वह दिन प्रतिदिन डेली पहुंचे और इस आंदोलन को कामयाब करें। और इसके पश्चात जो हमारी कमेटी ने आगे का निर्णय लिया है कि 3 सितंबर को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और दूसरा, जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, डिप्टी साहब हैं, SDM साहब हैं या और भी प्रशासन के आला अधिकारी हैं, उनको भी बताना चाहते हैं कि हम शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन लड़ना चाह रहे हैं। और जो आपके प्रशासन के लोग हैं वो हमें उकसा रहे हैं, टिब्बी SDM हमें वहाँ बुलाते हैं, पूरे कमेटी को हमारे साथ मीटिंग करते हैं और हम उन्हें उस मीटिंग में मना करते हैं कि ये फैक्ट्री हम नहीं लगने देंगे, परंतु प्रशासन के लोग अपने ईमान को फैक्ट्री वालों के पास गिरवी रख चुके हैं और वो अखबार में न्यूज देते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री के संबंध में सहमति जता दी है। तो हम प्रशासन के लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो एक मोर्चा आपके दफ्तर के बाहर लगेगा।